बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेस्परीज होम कुकिंग। आज मैं आपका मैं ये 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर देखेंगे। इस तरह से जो है वो मैदा ऐसे हो रहा है। यहाँ ये डो जो है वो नीड हो गई है। यहाँ ये जो चपाती है इसका कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये बबल्स भी फॉर्म हो गए हैं। यहाँ ये हमारी जो मांडा पट्टी है वो रेडी हो गई है। इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेस्परीज होम कुकिंग। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ मांडा पट्टी, जिसको हम स्प्रिंग रोल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, समोसा पट्टी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और बॉक्स पैटीज में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी उसमें ये 2 कप्स ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर, मैदा, 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक, 4 टेबलस्पून ऑफ घी और क्लेरिफाइड बटर, 3/4 कप ऑफ वाटर या एज रिक्वायर्ड, और ये हमने जो है वो सेपरेट ड्राई फ्लावर, खुला जो खुश्क मैदा है वो ले लिया एक बाउल में। एंड पे इसको यूज़ करेंगे और ऑयल जो है वो भी ले लिया। साथ ही ऑयल और जो ड्राई फ्लावर हैं, खुश्क मैदा, इनको हम एंड पे डो की जो है वो चपाती रेडी करके यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैदा, घी और नमक जो है इसको मिक्स करेंगे। यहाँ अब मैं ये ऐड करी हूँ, 1 टीस्पून सॉल्ट जो है वो चला गया मैदे में, मिक्स कर लिया उसको अच्छी तरह से मिक्स करके सॉल्ट को। उसके बाद ये 4 टेबलस्पून जो है वो घी ऐड कर लिया इसमें। घी ऐड करके इसको हैंड्स की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये क्रम्स की फॉर्म में आ जाए, और इसको इस तरह से हैंड्स में लेके प्रेस करें तो ये बाइंडिंग फॉर्म में हो। इसके बाद अब इसके सेंटर में होल करके स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें वाटर ऐड करके आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है वो नीड करना है, भूनते जाना है हाथ की मदद से। अच्छी तरह से इसको हाथ की मदद से गूंद के नीड करके हैंड्स की हेल्प से इसकी डो फॉर्म कर लेनी है। ये हमारी डो रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ना ही ये ज़्यादा सख्त है ना ये ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम डो हमारी रेडी हो गई है। अब इसको क्लिंग फिल्म से कवर करके 30 मिनट्स के लिए किचन काउंटर पे रख देना है ताकि हमारी जो डो है वो स्मूद हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और सेटल हो जाए। 30 मिनट्स हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं और हमारी जो डो है वो स्मूथ सी और सॉफ्ट सी रेडी हो गई है। इसको किचन काउंटर पे लेके इस तरह से दोनों हैंड्स की हेल्प से रोल करते जाना है ताकि ये लेंथ वाइज जो है वो रोल हो जाए इस तरह से, और उसके बाद इसको नाइफ़ की हेल्प से इसके इक्वल पोर्शंस कट कर लेने हैं। इसके बाद इन पोर्शंस के जो है वो बॉल्स रेडी कर लेने हैं इस तरह से 1 बाय 1, तमाम के तमाम जितने भी हमने जो कटेड पोर्शंस थे उनके बॉल्स रेडी करते जाना है इस तरह से। और इस बात का हमने ख्याल रखना है कि इक्वल साइजेस के बॉल्स हों। अब हमारे पास 6 बॉल्स रेडी हो गए हैं। मांडा पट्टी में जो है ये बॉल्स की चपाती रेडी करके उनको ज्वाइन करके प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ मेरे पास 6 बॉल्स हैं तो मैं 3 बॉल्स जो हैं वो लेके और उनसे पहले रेडी करूँगी उनको ज्वाइन करके चपातीस, तो ये रेडी करूँगी। मैंने वर्किंग सरफेस पे ड्राई फ्लावर डस्ट कर लिया और हैंड्स की हेल्प से इस तरह से फैलाते हुए बॉल को उसके बाद रोलिंग पिन की हेल्प से जो है वो रोल कर रही हूँ। इसको पूरी साइज़ का जो है वो रेडी कर लेनी है चपाती इस तरह से, रोलिंग पिन की हेल्प से अपसाइड डाउन टर्न करते हुए जो है वो चपाती रेडी कर लेनी है। इसी तरह से सेकंड जो है वो भी ले लिया बॉल, उसको भी ड्राई फ्लावर डस्ट करके हैंड्स की हेल्प से प्रेस करके और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से जो है वो
स्प्रेड करके इस तरह से मैंने 3 चपातीज़ रेडी कर ली पूरी साइज़ की, और साथ ही मैंने जो है वो किचन काउंटर पे ड्राई फ्लावर भी ले लिया है, ऑयल भी ले लिया है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो ऑयल है वो फर्स्ट वाली जो हमारी चपाती रेडी हुई थी उसके ऊपर ये ऑयलिंग ब्रश की हेल्प से ऑयल स्प्रेड करना है, और अच्छी तरह से ताकि हमारी जो है वो एक लेयर आ जाए इवन सी ऑयल की थ्रू आउट द चपाती, कोई भी कॉर्नर इसका बचना नहीं चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर ड्राई फ्लावर डस्ट कर लेना है, और ड्राई फ्लावर भी इसी तरह से डस्ट करना है कि हमारी जो चपाती है उसकी कोई भी पोर्शन इससे ड्राई फ्लावर से ना बचे। अगेन जो सेकंड हमारी चपाती है उसके ऊपर भी ऑयल अप्लाई कर लिया ऑयलिंग ब्रश की हेल्प से, और उसके बाद इसके ऊपर ड्राई फ्लावर डस्ट कर लिया। इसको बहुत ही केयरफुली जो है वो पिक करके और इसको ज्वाइन कर लेना है फर्स्ट वाली जो हमारी चपाती हमने रेडी की थी उसके साथ। इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेना है ताकि ये इक्वल साइज़ में हो जाए। और ये जो हमारी थर्ड चपाती थी उसके ऊपर हमने कुछ अप्लाई नहीं किया, उसको एज़ इट इज़ जो है वो स्प्रेड कर देना है, और इसके भी जो कॉर्नर्स हैं एजेस जो हैं वो मैच कर लेने हैं। और इस तरह से हमारे पास जो है वो ये आ गई 3 चपाती ज्वाइन कर ली हमने, और इसको रोलिंग पिन की हेल्प से बहुत ही लाइट हैंडेडली जो है वो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोल करके इसको स्प्रेड कर लेना है। इन द मीन वाइल हमने जो है अपना स्टोव ऑन कर लिया, उस पर तवा रख के उसको हाई फ्लेम पे हॉट कर लेना है, और उसके बाद उसका जो फ्लेम है वो लो कर लेना है। इस तरह से ये फैला के हमने अपनी चपाती रेडी कर ली है, और अब हम इसको अपने जो है वो स्टोव पे रखने जा रही हूँ मैं। इस तरह से चपाती को हैंड्स की हेल्प से स्प्रेड करके इसको मैंने तवे पे फैला लिया, और अब इसको 1 मिनट के लिए जो है वो कुक होने देना है लो फ्लेम पे। जैसे ही इस चपाती का जो कलर है वो चेंज होगा, ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर बबल्स भी फॉर्म हो गए हैं। इसमें बबल्स फॉर्म हो तो इसकी जो साइड है वो टर्न कर दी इस तरह से, और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ये वाइटिश हो गया है। अब इसको 1 मिनट के लिए हम अब सेकेंड साइड पर भी इसी तरह से कुक कर लेंगे। यहाँ 1 मिनट कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारे जो ये मांडाज हैं ये रेडी हो गए हैं। यहाँ प्लेट लेकर और मैं इसको साइड पे प्लेट पे मैंने इसको निकाल लिया कुछ देर के लिए, क्योंकि ये जब बहुत सख्त गर्म होगा तो इसकी जो लेयर्स हैं वो सेपरेट करना मुश्किल होती हैं। इसको लाइट सा कूल डाउन करके इसकी जो लेयर्स हैं वो इस तरह से निकालनी है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेयर है फर्स्ट वाली कितनी अच्छी और ईजिली रिमूव हो गई है। स्केल की हेल्प से हम इसकी जो है वो साइज़ लेंगे, यानी कि 9 इंच जो है इसकी लेंथ हो और 3 इंचेस इसकी जो है वो विड्थ होगी, तो हम इसको समोसा पट्टी के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, इस तरह से हमने जो है इसको रोल कर लिया और पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसके जो एजेस हैं उनको स्ट्रेट कर लिया राउंड एजेस को। ये जो सेकेंड साइड थी उसको भी इसी तरह से पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर लिया, और अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो है इसकी स्ट्रेट एजेस हो गए हैं। अब इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से रोल करके और इसके एजेस को स्ट्रेट कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से ये कट कर लिया, और जो दूसरी इसकी साइड है उसको भी सेकंड साइड को भी कट करके इसी तरह से पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से स्ट्रेट कर लिया। ये अब हमारे पास जो है वो 3 हमारे जो हैं वो रोल शीट्स आ गई हैं। इसको आप समोसा के तौर पे यूज़ करें, स्प्रिंग रोल्स के तौर पे यूज़ करें, इस फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसको स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी जो है वो 3 मांडाज रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जो हमारे रिमेनिंग 3 जो थे बॉल्स डो के, उनसे भी हमने उनको भी ज्वाइन करके उसी तरह से रेडी कर ली थी मांडाज, और इसको इसके एजेस जो है वो रिमूव करके बहुत ही केयरफुली जो है रिमूव लेयर इसकी सेपरेट करनी है। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही जो है वो इजीली हमारी लेयर सेपरेट हो गई है।
जस्ट इसमें केयरफुल होके रहना होता है। इसको अब अपसाइड डाउन टर्न कर लिया और अब इसके जो ये जो नीचे की थी दोनों मांडास, उनकी जो एजेस हैं बहुत ही केयरफुली एजेस को निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इसके जो सेंटर से इस तरह से रिमूव कर लेना है लेयर को। और ये आप देख लें कि बहुत ही इजीली हमारे जो हैं वो मांडास रेडी हो गए हैं। इसको भी इसी तरह से मैंने इसके भी कॉर्नर्स जो है वो स्ट्रेट कर लिए हैं और ये हमारे पास जो है वो 3 मज़ीद मांडास रेडी हो गए हैं। इसके जो कॉर्नर्स हैं ये भी वेस्ट नहीं जाएंगे, इसको हम पापड़ी फॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इसको फ्राई कर लें और पापड़ी के तौर पे यूज़ करें, चाट्स वगैरह में, दही भल्लास वगैरह में ये यूज़ हो जाएगा। ये हमारे जो है वो मांडा पट्टी रेडी हो गई है, ये आप देख लें। इसको हम समोसास बना फॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम जिप लॉक बैग में पैक करके इसको फ्रीज़ भी किया जा सकता है। और इसी तरह से इसके जो कॉर्नर्स हैं, एजेस जो हैं, इनको भी फ्रीज़ करके आपको जब रिक्वायर्ड हो तो आप इसको फ्राई करके और इससे पापड़ी रेडी करके यूज़ कर सकते हैं। माई मांडा पट्टी रेडी हो गई है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।